हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, व्हाट इज द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और व्हाट इज द कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस का यूज कहाँ होता है, और कैपेसिटेंस एक्चुअली है क्या, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके प्रीवियस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी चार्ज है तो वो चार्ज अपने अराउंड क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एज वेल एज पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, वो भी हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज द पोटेंशियल। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन को हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन था E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल में पोटेंशियल की कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, यानी कि वो स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर था, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा हमारा, के क्यू अपॉन आर, जो हम डिराइव करने वाले हैं, के क्यू अपॉन आर जो हम डिराइव करेंगे, और ये स्केलर है, क्या है, स्केलर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है लेकिन पोटेंशियल की डायरेक्शन नहीं होती। और आज पढ़ेंगे व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पोटेंशियल, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पोटेंशियल। हमने हर जगह सुना होगा, आप नाइन से पढ़ते आ रहे हो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती थी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती थी, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम जानते हैं, और इस अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है एक्चुअली, वो हम जानेंगे। तो हम पोटेंशियल के बारे में टेंथ में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे कि सपोज हमारे पास दो पानी की टंकी है, अगर दोनों में वाटर एक जितना फिल किया हुआ हो, और बीच में एक पाइप लगाई, तो यहाँ का पानी यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इक्वल है, इसकी वजह से इस ये वाली टंकी से पानी इस वाले टंकी में नहीं जाता। लेकिन हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस रखते हैं, यानी कि इस वाली टंकी को यहाँ पे रखते हैं, ओके। अब देखो तो क्या होगा, इसमें पानी भरता जाएगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये वाला, तो दोनों के बीच का जहाँ पोटेंशियल होगा, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ये वाला वाटर फील होगा, वाटर फ्लो होगा। तो यही हमको समझना है कि एक्चुअली व्हाट इज द पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए वी यूज करेंगे, पोटेंशियल की साइन होगी वी, और इसको वोल्ट भी बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, वोल्ट भी। अब मेन कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है। तो सपोज ये वाले सब चार्ज है, समझ लो ये वाले सब चार्ज है क्यू 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 क्यू, और इस वाले चार्ज को यानी कि पॉइंट ए वाले चार्ज को यहाँ पॉइंट बी पे हमको ले जाना है, क्या करना है, पॉइंट बी पे ले जाना है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, तो इन सब चार्ज के बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, एटम के चार्ज के बीच में क्या लगता है, फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है। वो रैंडम मोशन कर रहे हैं लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहे, आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी या टेंथ में भी पढ़ चुके हैं करंट में,
फ्री इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर में होते ही होते हैं, लेकिन लेकिन जब तक हम पोटेंशियल के साथ या कि बैटरी के साथ नहीं कनेक्ट करते तब तक इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। ऐसा क्यों है? तो इसको पोटेंशियल चाहिए, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में फ्लो कराना है, सभी इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में फ्लो कराना है, तो क्या चाहिए हमको? क्या चाहिए? पोटेंशियल चाहिए। क्या चाहिए? पोटेंशियल। व्हाट इज पोटेंशियल? तो इसको ये वाला क्यू जीरो समझ लो, इसको इस क्यू जीरो को यहां से यहां तक ले जाने में हमको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी भाई? एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी या नहीं? एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और ये एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए? तो इन इंटरमोलिकुलर फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? इन सब चार्ज के बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स से ज्यादा हुआ तो ये वाला चार्ज हम रिपल्सिव फोर्स के ऑपोजिट या एट्रैक्टिव फोर्स से ऑपोजिट ले जाएंगे, यानी कि इस पर क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। और फोर्स कैसा हमारा होगा? एक्सटर्नल। कैसा होगा? एक्सटर्नल। और यहाँ से चार्ज को हम यहाँ तक डिस्प्लेस कर गए, यहाँ से चार्ज को यहाँ तक हम डिस्प्लेस कर गए, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? जीरो। क्या है? जीरो। तो हमने इसका डिस्प्लेस किया एक्स। तो व्हाट इज एफ इंटू एक्स? तो यहाँ से चार्ज को यहाँ तक ले जाने में कुछ काम करना पड़ा, कुछ वर्क करना पड़ा, कुछ वर्क डन हुआ। एक चार्ज को इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऑपोजिट एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया और उस चार्ज को पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने मूव कराया, तो उसके लिए उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है? वर्क है। यानी कि हमको क्या करना पड़ा? वर्क। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। दोनों के बीच का एंगल कितना है? दोनों के बीच का एंगल कितना है? तो जीरो। तो वर्क एफ एक्स। और किस पे कर रहे हैं हम वर्क? तो चार्ज पे। तो एक्चुअली पोटेंशियल है वर्क डन अपॉन चार्ज। एक्चुअली क्या है? वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या है? एक्चुअली वर्क डन अपॉन चार्ज है। क्या है? वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी कि पोटेंशियल V इक्वल टू वर्क। ए टू हम कहां तक ले गए? बी तक। ए से बी तक ले गए, और कहां से कौन सा फोर्स लगाया? एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और किस पे फोर्स लगाया? क्यू जीरो पे। तो वर्ल्ड का इक्वेशन होगा, या कि पोटेंशियल का इक्वेशन होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज, हम चार्ज पे कितना वर्क डन कर रहे हैं वही तो है पोटेंशियल। और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? तो इसका ऐसा यूनिट होता है, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, ऐसा यूनिट के लिए वर्क डन का होता है जूल और कूलम। क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। और एक नया है वोल्ट। क्या है? वोल्ट। और वोल्ट को हम कैपिटल वी से डिनोट करेंगे। वोल्ट को हम कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल डी से। आपको ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा पिछले ईयर या टेंथ का कुछ समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन ये वाला लिख लो, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफाइन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइन एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफाइन एज फोर्स एज चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी पर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज।
या तो हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी लिख सकते हैं, वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन एक्चुअली, वर्क डन क्या है बेटा, तो वर्क डन एनर्जी है, व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन एनर्जी। तो एक्चुअली इसकी डिफिनेशन क्या होता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पे जो वर्क कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पे हम वर्क कर रहे हैं वही तो है पोटेंशियल, क्या है, वही तो है पोटेंशियल। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जो भी चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए जो भी वर्क कर रहे हैं तो वही तो है पोटेंशियल, ठीक है। अब समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो सपोज हमने एक चार्ज ले लिया क्यू वन प्लस चार्ज है, ठीक है, क्यू वन प्लस चार्ज है, और इसको बोलते हैं हम सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे इसको, सोर्स चार्ज। और एक पॉइंट पे हमने क्यू नॉट, इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, इसको हम चार्ज टेस्ट बोलते हैं। यहाँ पॉइंट ए है, ये वाला हम पॉइंट कुछ ले लेते हैं बी, क्या ले लेते हैं, कुछ पॉइंट बी। अब देखो ये वाला चार्ज हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉइंट पे इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। आप लोगों का पहला चैप्टर क्लियर है तो इसको पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। तो इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ ना कुछ होगी, यानी कि इसका फोर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, और कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि इसका पोटेंशियल यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। अब देखो ये वाले टेस्ट चार्ज को हमको यहाँ लेके आना है, इस वाले टेस्ट चार्ज को हमको यहाँ लेके आना है। तो यहाँ लेके आने के लिए रिपल्सिव फोर्स के ऑपोजिट में हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और इस पर फोर्स लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि उस पर कोई पोटेंशियल बनेगा, पोटेंशियल बनेगा। तो इसको हम उठा के यहाँ ले आए, यानी क्यू नॉट को हमने यहाँ पुट कर दिया। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, इसका कुछ पोटेंशियल होगा, इसका पोटेंशियल कुछ होगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वर्क डन ए बी अपॉन क्यू जीरो, वर्क डन ए बी अपॉन क्यू जीरो, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आगे लिखना तो लिख सकते हैं कि वी बी माइनस वी ए भी लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली है क्या, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस क्यू चार्ज को हम यहाँ से उठा के यहाँ लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक वर्क करना पड़ेगा, और वर्क किया तो वो वर्क कहाँ स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के। तो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे, तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू वर्क अपॉन ए बी, यानी कि यह इस चार्ज पे, इस चार्ज को यहाँ लाने में जो भी वर्क हुआ वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, इस चार्ज को यहाँ पर लाने में जो भी वर्क किया हमने वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। अब आपको किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल पूछ ले, आपको किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल पूछ ले, तो क्या करोगे, तो एक पोटेंशियल को, एक वाले को आप मान लोगे इन्फिनिटी। क्या करना है हमको, सिर्फ मान लेना है, एजम्पशन करना है इन्फिनिटी, यानी कि वी वी बी माइनस वी ए इक्वल टू वर्क डन ए बी बाय क्यू जीरो। आपको पूछा कि वी बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, तो आप इसको क्या मान लोगे, इन्फिनिटी मान लोगे, या भाई ए वाला हमारा इन्फिनिटी पे, यानी कि वी ए वी बी माइनस वी इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। इन्फिनिटी पे कोई भी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो। तो वर्क ए इन्फिनिटी बी इन्फिनिटी
क्यू जीरो, यानी कि वी बी क्या मिल जाएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो पॉइंट के बीच का जो हमने वर्क किया इस चार्ज को यहाँ लाने में, जो भी वर्क किया वही इस इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से हमारा पोटेंशियल, अब हमारा पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज मीन्स कोई भी पॉइंट चार्ज की वजह से, जैसे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाल रहे थे, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर निकाला था ना अगले चैप्टर में, वैसे ही इसी चैप्टर में वही मेथड से इसी चैप्टर में हम डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हम एक चार्ज मान लेते हैं, सपोज यहाँ पे हमारा एक पास चार्ज है, इसको हम क्यू ले लेते हैं, क्या लेते हैं, और इस पॉइंट वाले को ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को ए मान लेते हैं या ओ मान लेते, कुछ भी मान सकते हो, ओ मान लो। चलो ओके, क्या माना हमने, एक चार्ज लिया प्लस चार्ज यहां पे, और ओ पॉइंट, इसको मान लिया हमने ओ पॉइंट, और इसके कुछ आर डिस्टेंस पे, इसके कुछ आर डिस्टेंस पे हमारे पास एक आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया है पी। अब हमको क्या करना है कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट को हम बी मान लिया, इस पॉइंट को हमने ए मान लिया। ओके, हमको इन्फिनिटी से कोई क्यू नॉट चार्ज को, यानी कि पॉइंट चार्ज को, इन्फिनिटी से हमको पॉइंट चार्ज को यहाँ पे लाना है, पॉइंट पी पे लाना है। क्या करना है, इन्फिनिटी से हमको क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट पी में लाना है, यानी कि हमको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स, यहाँ से उठा के हमको क्यू नॉट को पी पे लाना है। तो इसकी वजह से कोई यहाँ पे फोर्स होगा पॉइंट, सॉरी क्यू प्लस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कोई फोर्स होगा होगा, और वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इस चार्ज को यहाँ लाने के लिए हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा, वो भी किसके अगेंस्ट, तो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा। तो कितना वर्क होगा वो हमको डिराइव करना पड़ेगा, कितना वर्क होगा वो हमको डिराइव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो हम मान लिया कि इस पॉइंट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट करना पड़ा डीएक्स, इतना छोटा सा, छोटा एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, सपोज क्यू नॉट को यहाँ से लाने के लिए यहाँ तक काम करना पड़ रहा है हमको, यहाँ से लाने के लिए यहाँ तक कितना काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डीएक्स, इतना कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डीएक्स, और इस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, तो वो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, ये फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, हमको जाना किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है ना, इस पे लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हमको जाना है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ओके, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क तो हमको डिराइव करना पड़ेगा कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से हमको आर तक लाना है, इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना है, आर तक लाना है। तो एक छोटा सा कितना काम हुआ, और उसको छोटा 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 काम को हम ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर से इन्फिनिटी से हमको पी पॉइंट तक लाना है, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाना है, तो कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, इतना वर्क कितना होगा हम डिराइव डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या किया, एक छोटा सा दो पॉइंट लिया और यहाँ से यहाँ तक लाने में उसको डिस्प्लेस हुआ डी एक्स, और फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये वाला वर्क कितना हुआ,
तो इस डी डब्ल्यू को जोड़ते जाएंगे और सबको इंटीग्रेट कर लेंगे इन्फिनिटी से आर तक, तो हमको मिल जाएगा टोटल वर्क मिल जाएगा। चलो तो हम डिराइव करना स्टार्ट करते हैं कि रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हमने कुछ वर्क किया तो कितना वर्क किया यहां से यहां तक फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, वर्क डन कितना होगा डी डब्ल्यू अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स करना पड़ेगा। तो अब देखो कितना वर्क डन हुआ हमारा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू, अब देखो इस फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 180 डिग्री, क्या हो गया 180 डिग्री, यानी कि एफ डी एक्स कॉस थीटा, ये वाला तो 11th में पढ़ चुके हो आप लोग, ये वाला इक्वेशन आप लोग 11th में पढ़ चुके हो, किसमें तो वर्क पावर एनर्जी में पढ़ चुके हो वर्क डन का फॉर्मूला। अब देखो दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, तो कॉस 180 क्या होता है बेटा, तो कॉस 180 माइनस 1 हो जाता है, यानी कि डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, हमको यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में कितना वर्क हुआ वो फाइंड करना है, हमको इन्फिनिटी से लेके पी तक आने में कितना वर्क हुआ वो फाइंड करना है, तो लिमिट क्या रख देंगे इन्फिनिटी से लेके पी तक की लिमिट रख देंगे, इन्फिनिटी से लेके पी तक की, तो हम यहाँ पर लिमिट रख दें इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक लाने में कितना डिस्टेंस आर। ओके चलो आप सबको इंटीग्रेशन आता ही होगा, आई होप तो आप लोगों को इंटीग्रेशन आता है। अब देखो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो डब्ल्यू वर्क ही होगा। ओके अब देखो फोर्स क्या है, कांस्टेंट लग रहा है चार्ज की वजह से फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ का इक्वेशन क्या होगा, चलो एफ का इक्वेशन क्या है भाई, कूलम्स लॉ से एफ का इक्वेशन क्या है, तो के क्यू क्यू जीरो अपॉन एक्स का स्क्वायर, यहां तक का डिस्टेंस हम एक्स ले लेते हैं, यहाँ तक का डिस्टेंस हम x ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने के डी एक्स का वर्क करना पड़ेगा। ओके यहाँ तक का डिस्टेंस हमने x ले लिया, तो यहाँ से यहाँ लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा dx। अब देखो इंटू dx अब किसके साथ इंटीग्रेट करने के बोल रहा है, तो x का स्क्वायर के साथ, x के साथ इंटीग्रेट करने के बोल रहा है, यानी कि के क्यू के क्यू क्यू नॉट क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर ले लो, तो हमको बाहर ले लिया इसको भाई, तो माइनस के क्यू क्यू जीरो इसको बाहर ले लिया, और चलो वन अपॉन एक्स इसका इंटीग्रेट क्या होगा भाई, एक्स की माइनस टू, एक्स को ऊपर ले गए तो माइनस टू हो गया, तो इसका इंटीग्रेट क्या होगा इन्फिनिटी से लेके आर तक, और भाई क्या होगा इसका, तो क्या होता है एक पावर आगे आ जाए, एक पावर प्लस करेंगे और प्लस की पावर नीचे आएगी। इंटीग्रेशन आप लोगों को नहीं आता तो यही वाला फॉर्मूला, अगर एक्स की एन घात डी एक्स है, एक्स की एन घात डी एक्स है, तो क्या होता है एक्चुअली एक्स की एन प्लस वन और एन प्लस वन, यानी कि एक्स की जो पावर है इसमें एक बढ़ा देंगे और बढ़ी हुई पावर उसके डिविजन में रख देंगे, ये इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की पावर एक बढ़ाएंगे तो यानी कि माइनस टू प्लस वन क्या होगा माइनस वन डिवाइड बाय, ओके आकर स्टेप करके दिखाता हूँ मैं, माइनस के क्यू क्यू जीरो इंटू एक्स माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस टू प्लस वन इन्फिनिटी से लेके आर तक, इन्फिनिटी से लेके आर तक। ओके अब देखो माइनस टू प्लस वन क्या हो जाएगा माइनस वन, यानी कि वर्क इक्वल टू माइनस क्यू क्यू जीरो
माइनस वन अपॉन एक्स इन्फिनिटी से लेके आर तक, इन्फिनिटी से लेके आर तक, ओके इन्फिनिटी से लेके आर तक। अब क्या करेंगे, लिमिट रखना पड़ेगा, ओके तो वर्क इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू जीरो इंटू माइनस वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी। पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे माइनस 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 प्लस बाद वाली, वन अपॉन इन्फिनिटी भाई क्या होता है, वन अपॉन इन्फिनिटी हमारा जीरो हो जाएगा, वन अपॉन इन्फिनिटी एक्चुअली होता क्या है तो जीरो। तो वर्क डन इक्वल टू ये वाला माइनस बार आया तो प्लस हो जाएगा, यानी कि के क्यू क्यू जीरो अपॉन आर, के क्यू क्यू जीरो अपॉन आर, ये हमारा वर्क तो मिल गया भाई। यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो के क्यू क्यू जीरो अपॉन आर जितना वर्क करना पड़ेगा। और हमारे पास पोटेंशियल का इक्वेशन तो है, कि पोटेंशियल का इक्वेशन है वर्क अपॉन चार्ज, तो हमारा वर्क क्या मिला, तो के क्यू क्यू जीरो अपॉन आर डिवाइड बाय क्यू जीरो, तो क्यू जीरो क्यू जीरो को कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन, के क्यू अपॉन आर। ये वाला ही हमारा पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल है, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा के क्यू अपॉन आर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। यहाँ पे मेनली डिफरेंस है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वेयर में कम होती है जबकि पोटेंशियल आर यानी कि स्क्वेयर में नहीं होता, सिर्फ आर है, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जबकि वो स्क्वेयर के इनवर्स डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो ये वाला हमारा इक्वेशन है, इसको अब रफ कर लेते हैं, तो हमारा वर्क पोटेंशियल क्या मिला पॉइंट चार्ज के लिए, तो मिला के क्यू अपॉन आर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के की वैल्यू क्यू बाय आर, ओके। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का था के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर था, क्या था के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, यानी कि वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, यानी कि वोल्ट प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वेयर, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वेयर में घटती है, कम होती है, जबकि वोल्ट किसके प्रोपोर्शनल है आर के, यही मेन डिफरेंस है, और आपको ये वाला डिफरेंस पता होना चाहिए, ये वाला डिफरेंस पता होना चाहिए। तो हम इस ग्राफ को देखें, एक ग्राफ एनसीईआरटी में भी दिया है आप लोगों को ग्राफ, तो ग्राफ दिया है हमको ऐसा, ये वाला हमारा डिस्टेंस है और ये वाला यहाँ 0.5, ये वन, ये वाला वन, ठीक है। ओके ये वाला ग्राफ हमको दिया है एनसीईआरटी में, ठीक है, ये वाला हमको ग्राफ दिया है एनसीईआरटी में। तो ये वाला क्या है हमारा पोटेंशियल है, यानी कि के क्यू बाय आर है, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि ई इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वेयर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली डिक्रीज होती है, जबकि पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज होगा, क्योंकि ये
डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये सिर्फ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरली पढ़ लेंगे। ठीक है।